इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सुनी वो अहिरंद्र सर्प भवन जैसे नेत्रों ने संत महापुरुषों के दर्शन नहीं पाए, मोर के पंख पे बने आंख जैसे, शीस श्रेष्ठ चरण में न नमे, कड़वी लौका के समान, छाती कठोर वज्रवत, कौन कथा सुनकर जो प्रसन्न नहीं हो। भगवान की कथा जिसको आनंदित न करे वो जीवित है ही नहीं, जो जीवित है उसको भगवान की कथा रस बढ़ा देती है। जो जीह भगवान नाम गुणगान न करे वो चमगादड़ की जिह्वा के समान खावे क्षय करे। अरे बाबा ने अंतिम चरण में कहा, गिरिजा सुन राम कै सोरहित दनुज विमोहन। देवताओं के हितैषी है, आसुरी शक्तियों को विमोहित करने वाली है। क्या राम जी की लीला, राम जी की कथा। कल आपसे निवेदन किया था, बाबा आज पुनः कह रहे हैं, राम कथा सुर धेनु सम सेवत सब सुख सत समाज सुर लोक सब कौन सुने। राम कथा कामधेनु सदृश है, सुरधेनु सम सेवा करना मैंने सुनने से सब सुख प्रदान करती है। सत्य समाज में और देवलोक में ऐसा जान मान कर कौन है जो सुनेगा नहीं, सुनेंगे। हम लोग जहां जाते हैं गाते हैं, लोग खूब सुनते हैं, कथा सुनते ही रहते हैं। नहीं जाते हैं, कोई मिलने आते हैं वो भी कहते हैं कुछ सुना दीजिए, सुना देते हैं। जिनसे मिलने जाते हैं वो भी कहते हैं कुछ सुना दीजिए, उनको भी सुना देते हैं। कोई कहे सुना देते हैं। एक मिनट तो लगता है, आपको भी सुना देता हूँ। जय जय राम कथा जय श्री जय श्री राम। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 सौ जन्म जन्म की व्यथा। जय जय सदन सुख की दानी
मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कर जथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, आहा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है यार, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, कथा। कलम से वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी जैसी है, सुनते जाइए कलमस कट जाएंगे। सुनिए, गुनिए, चुनिए, बुनिए। कट जाएंगे। कलम से वृक्ष कट जाएंगे। राम कथा सुंदर हाथ की दिव्य तारी जैसी है, बजने से संशयी पक्षी समाप्त, अर्थात कथा सुनने से संशय का समापन हो जाता है। किसके बारे में? भगवान के बारे में, भगत के बारे में, अपने बारे में। कोई संशय होगा तो समाप्त हो जाएगा। तब ही हो सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सतसंगा। भूत भावन भगवान भोलेनाथ ने गरुण जी से कहा। जय बहुबार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पतितों। वही आपको गसनी है का माया। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी ने कहा, बाबा ने कहा, संशय में हो कथा सुनो सब ठीक होगा। सुनने गए, अरे सुनना तो दूर, देखते कहते हैं कथा पंडाल, देखते कहते सुन उतात जेहि कारण आयो, सो सब भयो दरस तब पायो। जिसने में ताए वो सब देख परम पावन, तब आश्रम गयव मोह संशय नाना भ्रम, अब श्री राम कथा अति पावन। सादर तात सुनावहु, मुझे सुनाई कथा, सुनिए। पहला प्रश्न माँ का, निर्गुण को सगुण क्यों होना पड़ा? बाबा का उत्तर आया, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बोध देगा। सगुण अगुण अरूप अलख जो भगत प्रेम बस सगुण सो, गुण रहित रूप रहित अलग
जो गुण रही तस गुण सोई कैसे, जो गुण रही तस गुण सोई कैसे, जल ही मां को पलब लग नहीं जाए, सगुण निर्गुण दोनों एक है। अब देखिए कितना सरल है, न इधर जाओ न उधर जाओ, सगुणी हो तो सगुण उपासना करो और निर्गुण हो तो निर्गुणी उपासना करो, दोनों उपलब्ध है, भागने भटकने का काम नहीं। नए नए द्वार क्यों झांकना, हमारे सनातन धर्म में ऋषियों ने सब प्रकार की परंपरा को समाहित कर रखा है, जो मानना है मान लो, जो जानना है जान लो, यही स्पष्ट हम भक्तों को नहीं होता है कि हम किस परंपरा के उपासक हैं। हमारी क्या परंपरा है खुद नहीं पता, हमको ये तो पता हो कि ये हमारा जो शरीर है ये शीत प्रधान है अथवा उष्ण प्रधान है, अपने शरीरिया का तो बोध होवे के चाहिए कि हमको जाड़े से एलर्जी है अथवा गर्मी से, तो सावधानी बरतनी चाहिए। पते नहीं है चल रहा है सब, कई लोगों को रुई से एलर्जी होती है, कई लोगों को आलू से एलर्जी होती है, और तो छोड़िए कई लोगों को आम से एलर्जी होती है। आम खा लेंगे पूरा शरीर सूज जाएगा, फूल जाएगा, क्या हुआ है आम छू लिया ना उसी से, नहीं क्या खा लिया छू लिया एलर्जी हो गया। हमारा शरीर एक प्रयोगशाला है, हमको हमारे शरीर के बारे में बोध हो और स्वभाव का पता हो हम सुखी हो जाएंगे। अरे जो अपने पास है उसका तो बोध हो, बाहर की छोड़िए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।